जब भारत अपने रॉकेट साइकिल एवं बैलगाड़ी की मदद से ट्रांसपोर्ट करता था तथा किसी नारियल के पेड़ के सहारे उसका परीक्षण करता था, उसी समय पाकिस्तान के पास दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी थी जिसका नाम सुपरको था, जिसे पाकिस्तान ने खुद के एवं अमेरिका की मदद से खड़ा किया था, जो एशिया का तीसरा एवं दुनिया का 10वां ऐसा स्पेस एजेंसी था जिन्होंने सफलतापूर्वक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा था। इसके बाद सुपरको ने सफलताओं की झड़ी लगा दी। लगभग 10 सालों में 200 से अधिक रॉकेट लॉन्च किया था, दुनिया की बेस्ट स्पेस कंट्री बन बैठी। 1972 के आखिर में ऐसा क्या हो गया कि पाक स्पेस एजेंसी की ना तो नाम बचा और ना ही कोई काम। चलिए जानते हैं सुपरको के अर्थ से फर्श तक की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। यह बात है 1960 की, जब पाकिस्तान के कराची में अमेरिकन काउंसलिंग का लेक्चर चल रहा था। आप लोग तो जानते ही होंगे कि अमेरिका का हाथ उस समय तक पाकिस्तान के सर पर कुछ ज़्यादा ही रहता था। तो काउंसिल के दौरान एक पाकिस्तानी उठा और कह दिया कि पाकिस्तान कुछ दिनों बाद अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ेगा। यह खबर अगले दिन तक पूरी दुनिया में फैल गया और इस बयान को जो भी सुनता एक खलबली सी मच जाती थी। सुपर पावर अमेरिका भी उस समय तक स्पेस का ऐश नहीं जानता होगा, क्योंकि उसकी स्थापना महज 2-3 साल पहले 1958 ईस्वी को हुई थी और मात्र 3 साल बाद कोई गरीब देश ऐसा कहेगा तो खलबली तो मचेगी ही। लेकिन सुपारको की ये तो शुरुआत थी और इसको शुरुआत करने वाले एक प्रोफेसर थे जिनका नाम अब्दुस सलाम था, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। इस बयान के महज 1 साल बाद सितंबर 1961 को सुपारको की स्थापना होती है। सुपारको मतलब स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। मैंने पहले कहा था अमेरिका कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था पाकिस्तान में, इसीलिए उन्होंने भी पाकिस्तान की काफ़ी मदद की और सुपारको की स्थापना के महज 10 महीने बाद 7 जून 1962 को पाकिस्तान ने पहला रॉकेट अहबर 1 को लॉन्च किया, जो कि सक्सेसफुल रहा तथा पाक ऐसा करने वाला एशिया का तीसरा एवं दुनिया का 10वां देश बन गया। पहले तो खलबली मची थी, अब पूरी दुनिया में सफल लॉन्च के बाद पाकिस्तान ने भूचाल ला दिया। इस समय तक भारत में स्पेस में जाने की बात तो छोड़िए, भारत को ठीक से 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, क्योंकि भारत अभी अभी चाइना से युद्ध हार कर आया ही था। लेकिन कहते हैं ना कि जो जल्दी आता है उसे जाने में भी देर नहीं लगती, यही हाल पाकिस्तान के साथ हुआ। सुपरको का सुनहरा दौर जल्द खत्म हो गया 1972 में, जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ और जनरल जियाउल भुट्टो प्रधानमंत्री बने, और तभी से स्पेस एजेंसी का बुरा दौर शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री बनते ही स्पेस प्रोग्राम की फंडिंग में लगातार कटौती होती रही। सुपरको का पैसा अब सुरक्षा क्षेत्र में खर्च होने लगा। सारा फोकस एटम बॉम्ब, मिसाइल और फाइटर जेट हासिल करने पर चला गया, अर्थात पाकिस्तान का सारा ध्यान कंस्ट्रक्शन से हटकर डिस्ट्रक्शन की ओर चला गया। सुपरको में जितने भी साइंटिस्ट थे उसे एटम बम बनाने में लगा दिया गया और सुपरको अपने लक्ष्य से दूर होता गया। हालांकि 1980 के दशक में पाकिस्तान के मशहूर वैज्ञानिक मुनीर अहमद खान ने जियाउल हक के साथ मिलकर सुपरको में नई जान फूंकने की कोशिश की, नए मिशन लॉन्च किए, रिसर्च के लिए पैसे भी जुटा लिए, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और पाकिस्तान खुद की एजेंसी छोड़कर चीन के सहारे रॉकेट भेजना शुरू कर दिया। 1990 में पाक अपना पहला सैटेलाइट बद्र 1 को चीन की मदद से भेजा तथा दूसरा सैटेलाइट 11 साल बाद 2001 ईस्वी में US की मदद से भेजा, लेकिन मात्र 2 साल बाद ही नियंत्रण खो बैठा। 2001 ईस्वी के बाद सुपरको का चेयरमैन पद पाक के फौज अधिकारी को दिया जाने लगा, तब से लोग इसका नाम भी भूल गए। अब सुपरको का ना तो नाम बचा और ना ही कोई काम। सुपरको पर अंतरिक्ष टीवी तथा अभी एंड न्यू का वीडियो है, लेकिन पुराना है। अगर चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में जानना हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें, मैं वही मिलूंगा।